नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार टोकते रहते हैं कि कहीं तुम किसी खतरे में ना पड़ जाओ। मुझे दूसरों की परवाह नहीं, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि भैया भी मुझे। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेलो, कौन बोल रहा है? रघुवीर। हाँ रघुवीर, क्या बात, क्या चाहिए तुम्हें? दोनों भाइयों के बीच दीवार तो खड़ी कर दी तूने, अब अपने इर्द गिर्द पहाड़ भी खड़े कर लेना। तेरी हर सांस के पीछे मौत बनकर खड़ा हूं मैं। तेरा एहसास घिनौना तहत करूंगा कि दोबारा कोई रावण रघुकुल की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और सुन, इसे धमकी मत समझना, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, समझ गया ना? हाँ समझ गया। समझ जा। हमारा दुश्मन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और हम। मैं लुट गया रे, लुट गया। ओफो, निधिराम की एक बात याद रखना सेवक, हम वो तूफान हम दोनों के तंबू खूंटों समेत उखाड़ देगा। और तू, मैं लुट गया रे, मैं लुट गया रे, यही करते रहोगे देख लेना। अरे भाई देख लेंगे और दिखा भी देंगे, तंबू तो अब रघुवीर का उखड़ेगा। अब जो चौपट की बाजी हम खेलने जा रहे हैं ना, उसमें पहले उतरेगा हमारा गजानन गणपति। मंत्री अंकल, आप हर बात कितनी सोच समझ कर करते हैं, आप हुक्म कीजिए, मैं रघुवीर के छक्के चौड़ा दूंगा, मैं तैयार हूं। हाँ तो तैयार हो जा छोरा, कल तेरा मर्डर होगा। सेवकराम। मुझे क्यों मरवा रहे हो? सेवकराम तू भूल रहा है कि गणपत मेरा भाई है। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये राजनीति की रणनीति है भाई। गणपत और रघुवीर की दुश्मनी हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। उस दिन हमने ऑफिस में हमले का नकली ड्रामा किया था, उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होगी। हाँ पड़ गया पंगा, अब समझा मैं रणनीति। हाँ लाश किसी और की जलेगी, हाँ बुत मेरे गणपत का लगेगा। सेवक राम, तुम्हारी इस एक्शन फिल्म में मेरा बड़ा इमोशनल रोल होगा। मैं रोऊंगा, छाती पीटूंगा, चिल्लाऊंगा, दीवारों पर टक्कर मारूंगा। मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया, मेरा गणपत मर गया। सब कुछ नकली होगा, लेकिन वो ग्लिसरीन जिससे कि आंसू आते हैं वो असली होगी। क्यों पड़ गया ना पंगा? अपने डायलॉग याद हैं? जी हाँ बिल्कुल याद है। जाओ डाल दो पंगा। अच्छा ओके, yeah!
मोहब्बत की लाश। आजा नकली गणपत। रघुवीर भैया, वहां कोई हाथ लगी हुआ है। राम जी अनर्थ हो गया। रघुवीर ने आपके भाई गणपत का कत्ल कर दिया। जी हाँ, मेरी आंखों के सामने इसने गणपत को जलती हुई आग में फेंक दिया। नहीं, नहीं, कमीने, तूने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा? मैंने किसी को नहीं मारा। हमला तो उन लोगों ने हम पर किया था। झूठ बोल रहे सब लोग, झूठ बोल रहे सब लोग। ये सब मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने ये सब झूठ बोल रहा सब बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मेरे भाई को मार डाला इंस्पेक्टर साहब। मेरे भाई को मार डाला इस कमीने ने। मेरे छोटे से भाई को मार डाला ये रघुवीर। इसने मेरे भाई को अभी अभी आग में जलाकर मार डाला। अरे स्टेम, ये झूठ है, ये झूठ है इंस्पेक्टर। मुझे फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। चुप, गणपत तो अभी मेरे सामने आ गए इंस्पेक्टर। मैंने कोई झूठ नहीं किया। तुमने बहुत सारे जुर्म किए हैं बच्चे। कत्ल के साथ साथ गैर कानूनी हथियार का धंधा है तुम्हारा। ये झूठ है। माल सबूत समेत तुम्हारे जिमखाने से पकड़ा है बच्चे। ये साजिश है इंस्पेक्टर, साजिश है ये। जो कुछ भी कहना अदालत में जाके कहना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? रघुवीर को गिरफ्तार क्यों कर रखा है? अरे दिखाई नहीं देता, मेरे मासूम छोटे से भाई को आग में जलाकर मार डाला। ये झूठ है भैया। तुमने भाई नहीं, गुंडा पाल रखा है गुंडा। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, इंसाफ मांगूंगा, इसकी जिंदगी में पंगा खड़ा कर दूंगा मैं। ये झूठ है भैया। भैया मैंने किसी को नहीं मारा भैया। ये पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए भैया। ये साजिश है, ये झूठ है भैया। कौन झूठ उठ लिए? ले जाओ इसे। मैंने किसी को नहीं मारा भैया। मैंने किसी को नहीं मारा भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ आओ भाई वकील गंडोत्रा, इस केस में कोई कमी कोई पंगा नहीं होना चाहिए। डोंट वरी नीतिराम जी, आई एम फुली कॉन्फिडेंट। अगर डॉक्टर साहब नकली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक बना दे तो। अरे इंसाफ ने तो मुझे नकली दवाइयां सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिर नकली लाश की रिपोर्ट कैसे नहीं बनेगी है? ओहो भाई, इस इंस्पेक्टर ने तो इतनी अच्छी एफआईआर लिखी है कि इससे खुश होके हमने ज्यादा माल कमाने के लिए इसका तबादला बॉर्डर पे करवा दिया है। और वो रहे नकली चश्मदीद गवाह। हमने तो अपने बहन तोते की तरह। अरे लुट गयो रे नीति राम। अरे कौन से बाग के बादाम खा के तू ऐसे पैंतरे सोचता रहता है? अरे तू अगला पैंतरा तो सुन। तेरे अंग रक्षक रवि वर्मा की बदली सरकारी पुलिस ने इंटेरोगेशन सेंटर में कर दी है। मगर क्यों? कहीं भाई के लिए सेंटिमेंटल होके वो तेरे ऊपर चांद मारी ना कर दे। अब तेरी जान को कोई पंगा नहीं है, अब पंगा पड़ जाएगा रघुवीर की जान को। अरे लुट गयो रे, लुट गयो। आखिर कानून के शिकंजे में फंसे गए ना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने ऊपर लगे हुए इल्जामों को कबूल कर लो, वरना बहुत पछताओगे।
मैं निर्दोष हूं। चालाक बनने की कोशिश मत करो, सीधी तरह नहीं बकोगे तो हमें उगलवाना आता है। भैया मैं, भैया नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा कहो। तुम्हें थर्ड डिग्री के चक्कर में घुमाया तो उधर जाओगे और खुद बहुत। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। एक मौका देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया भैया। सोच लो। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर। यस सर। इसे ले चलो अंदर। भैया चलो। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया मेरी बात तो सुनिए, मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया भैया मेरी बात तो सुनिए भैया, प्लीज। भैया मैं बेकसूर हूँ भैया। भैया मैं बेकसूर हूँ। डेजिग्नेशन पर क्यों? सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए वर्दी शायद रुकावट बने सर। नहीं, तुम जज्बाती हो गए हो मिस्टर रवि वर्मा। एक पुलिसमैन होने के नाते तुम इतना तो समझते ही होगे कि खतरनाक मुजरिम जज्बाती बातें, झूठी कस्में और तरस पैदा करने वाले चेहरे बनाने में माहिर होते हैं। आई एम सॉरी सर, खून जैसे अपना रंग नहीं बदलता वैसे ही खून अपने खून के सर की झूठी कसम नहीं खाता। मुझे अपने खून पर नाज है सर, प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, गवाहों का बयान और पुलिस द्वारा बरामद किए गए हथियार ये साबित करते हैं कि रघुवीर वर्मा सिर्फ गणपत का कातिल ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसा खतरनाक आतंकवादी है जिसके उन विदेशी ताकतों के साथ गहरे संबंध है जो इस देश के टुकड़े कर देना चाहती है, इसे कमजोर और खोखला कर देना चाहती है। मिलॉर्ड, यह था इसका फ्यूचर प्लान। अब मैं इसकी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शुरू से ही रघुवीर को गुंडागर्दी का शौक था जिसके कारण इसको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया गया था। कॉलेज से निकलते ही इसने गली मोहल्ले में दहशत फैलाना शुरू कर दी और फिर आपने आपको खुद ही नेशनल हीरो का खिताब भी दे डाला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेशनल हीरो नाजायज हथियारों का धंधा करता है? क्या नेशनल हीरो गणपत जैसे युवा नेता का खून करता है? क्या नेशनल हीरो एंटी नेशनल ताकतों से मिलकर देशद्रोह करता है? नहीं मिलॉर्ड, मेरा भाई देशद्रोही नहीं है, वो निर्दोष है। ये सब झूठ है, गलत है मिलॉर्ड। गलत है तो आप इसे निर्दोष साबित कर दीजिए। ले आइए सबूत। सबूत तो तुम लोगों ने गायब कर दिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि वर्मा अदालत में खड़े एक रिप्यूटेड वकील पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने झूठे गवाह पेश किए, मैंने गलत सबूत पेश किए। यह कानून की वर्दी, यह इंसाफ की मूर्ति और अदालत की कुर्सी पर विराजमान यह जज साहब, यह सब झूठे हैं और दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाने वाला इनका भाई सच्चा है। मिलॉर्ड, यह शोर मचाकर अदालत की कार्रवाई रोकना चाहते हैं।
दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यह अदालत की तोहीन है। मिस्टर रवि वर्मा, अदालत आपको चेतावनी देते हुए बाहर जाने का हुक्म देती है। आप मुझे बाहर तो निकाल सकती है मिलोर्ड, लेकिन मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकती। रघुवीर निर्दोष है, उसे फंसाया गया है मिलोर्ड, उसे फंसाया गया है, वो निर्दोष है मिलोर्ड, मिलोर्ड। ये कोई आम मुकदमा नहीं है, इस मुकदमे का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होना चाहिए। दैट्स ऑल मिलोर्ड। मिस्टर रघुवीर, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं मेरे भैया ने कह दिया, आपने सुना नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं, कानून के हर फैसले को सुनना चाहता हूं। आप अपना फैसला सुनाइए। फैसला 3 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न फॉर 3 आवर्स। सर, अदालत अपना फैसला 3 घंटे के बाद सुनाएगी। रोशनी, सारे सबूत रघुवीर के खिलाफ है। यह फैसला मेरा अपना नहीं, कानून की किताबों का है, उस संविधान का है जिसकी मैंने शपथ उठाई थी। मुजरिम रघुवीर वर्मा, यह अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। हैंग टिल डेथ। भाभी, भाभी। तू रो रही है भाभी? तू तो मेरी मां है, और मां रोते रोते अपने बेटे को विदा नहीं करती। झूठ के काले बादल सूरज को कितना भी ढक ले, एक दिन उजाला होकर ही रहेगा। मैं आऊंगा, लेकिन इस बार तेरी कोख से जन्म लेकर ही आऊंगा मां। रोशनी, भाभी और भैया का ख्याल रखना। भैया, आज की ताला खबर, रघुवीर को फांसी होगी, रघुवीर को फांसी होगी। धीरे बोल छोटे, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। रघुवीर को फांसी हो गई, अब तो जश्न होना चाहिए। अरे, फांसी की सजा हुई है, फांसी हुई तो नहीं है? नहीं। जब तक वो साला मर नहीं जाता, कोई भी पंगा खड़ा हो सकता है। पंगा? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तब तक तुम्हें लाश की एक्टिंग करनी होगी। हाँ, लोगों के लिए तुम मुर्दा हो, और मुर्दे लोगों का ऐसे उछलना हम जिंदा लोगों के लिए अच्छा नहीं है, समझे? आई एम सॉरी बेटे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। जज के तौर पर तो आपने फैसला सुना दिया, मगर याद है एक फैसला आपने मां के तौर पर भी सुनाया था। हम दोनों को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने का फैसला, वो भूल गई मां? मैं सिर्फ एक माँ हूँ बेटे, कोई विधाता नहीं। उसके फैसले को तो कानून की लाखों करोड़ों किताबें भी नहीं बदल सकती।
मगर प्रेम के ढाई अक्षर इस फैसले को बदल सकते हैं माँ। भगवान करे ऐसा ही हो बेटे। कितनी बदनसीब माँ हूं मैं, अपनी बेटी को सदा सुहागनों ने कहा आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। रघुवीर, रोशनी, यूं मुझसे आंख मत चुरा रघुवीर, मेरी तरफ देखो। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जिससे जिंदगी खुद आके चुरा रही हो वो कर भी कर सकता है रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जी भर के प्यार भी न दे सका। नहीं रघुवीर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपना प्यार, अपना साथ। बस मेरी एक ही आरजू है, इन हाथों से मेरी मांग भर दो, मेरा दामन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। रघुवीर, आज तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मेरी उम्र बढ़ा दी। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मुझे चाचा चाहिए, मैं चाचा के बगैर स्कूल नहीं जाऊंगी। पहले उनको बुला के लाओ, फिर मैं स्कूल जाऊंगी। देखो बेटे, कल भी तुम स्कूल नहीं गए, आज फिर से जिद कर रही हो। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। हाँ, मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज बताओ ना, चाचा कहाँ है? गुड मॉर्निंग मिस नेहा वर्मा। गुड मॉर्निंग नेहा। चाचू ने कहा है कि अगर आप स्कूल नहीं जाएंगी तो वो आपसे कट्टी कर लेंगे। आप जानती हैं चाचा कहाँ है? हाँ जानती हूँ, आपके चाचू ने भेजा है मुझे यहाँ और कहा है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा। आई लव यू। चाची मैं तैयार होके आऊं। रोशनी, जो फर्ज तुमने इस घर की बहू बनने के बाद करना था उसका बोझ तुमने पहले से उठा लिया। तुम्हारे रघुवीर को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वो वापस आएगा रोशनी, मैं लाऊंगा उसे। हाँ रोशनी, मैं लाऊंगा उसे। ये रहे गणपत बनाम रघुवीर केस के चश्मदीद गवाहों के एड्रेस। थैंक यू। एडवोकेट गंडोत्रा तो कुछ दिन पहले विदेश चले गए। सॉरी सर, जब डॉक्टर सक्सेना इस दुनिया में रहे ही नहीं, आप उनसे कैसे मिल पाएंगे? दुनिया में रहे ही नहीं? जी हाँ, बेचारे सड़क पर जा रहे थे, एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया। इस नाम के आदमी यहाँ कोई नहीं रहता। मुझे कुछ नहीं पता साहब। इस नाम का आदमी तो यहाँ कोई नहीं रहता जी। इस नाम और पते के आदमियों का राशनिंग ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपके पास एक सबूत भी तो नहीं जो ये साबित कर दे कि रघुवीर निर्दोष है। मैंने सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन जिन लोगों ने अदालत में झूठी गवाही दी थी वो गवाह यहाँ तक कि वकील डॉक्टर सब लापता है। कुछ विदेश जा चुके हैं, कुछ मर चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता गायत्री देवी मैं क्या करूं। मेरे पास सबसे बड़ा सबूत यही है कि रघुवीर ने मेरे सर की कसम खाकर कहा था कि वो निर्दोष है। मैं अच्छी तरह जानता हूं रघुवीर अपनी जान बचाने के लिए मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। आप अपने दिल से पूछिए, अगर रघुवीर को फांसी हो जाने के बाद यह साबित हुआ कि वो निर्दोष है तो हम क्या जवाब देंगे उससे प्यार करने वालों को? कौन जिम्मेदारी लेगा उस बेगुनाह की मौत का? आप, मैं या ये कानून? अगर रघुवीर न रहा तो मुझे मेरा भाई ही नहीं एक भाभी का बेटा छिन जाएगा, रोशते का सुहाग बैठ जाएगा, बस्ती वालों का नेशनल हीरो खो जाएगा। क्या क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा भाई साहब। आपके विश्वास ने मेरे सोए हुए विश्वास को जगाया है। रघुवीर का केस बतौर वकील मैं लड़ूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से रहम की अपील भी मंजूर करवाऊंगी। लेकिन ये गुलशन उजड़ने नहीं दूंगी। ऑनररी जूरी मेंबर्स, आप सब लोग कानून की हर कड़ी के विद्वान हैं, जानकार हैं। आप ये भी जानते हैं कि कानून की किताब इंसान ने लिखी जरूर, मगर वक्त के बदलते हुए हालात को देखते इंसान का दिमाग नए तजुर्बे नई मंजिलें तय करता रहा, ताकि इंसाफ की तलवार किसी मासूम या बेगुनाह पर न चल सके। न्याय की कुर्सी पर बैठकर हम झूठ और सच का फैसला करते हैं, किस बिना पर? हमारे सामने पेश किए गए सबूतों के बिना पर। लेकिन कितने सबूत ऐसे हैं जो हमारे सामने पेश ही नहीं किए जाते? कितने सबूत ऐसे हैं जिस पर झूठ की गर्द जमी होती है? आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए। न्यायाधीशता के लंबे अरसे में पता नहीं आप कितनी बार महसूस करते हैं कि न्याय की इस कुर्सी पर आप सिर्फ एक खिलौना बनकर बैठना नहीं चाहते। कानून की लड़ाई नेकी और बदी की लड़ाई है, और नेकी की रोशनी मैंने रघुवीर की आंखों में देखी थी जब मैंने उसे फांसी का हुक्म सुनाया था। रघुवीर एक होनहार नौजवान है, उसके अच्छे कामों और लोगों के विचारों की फाइल मैंने आपके सामने पेश की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि रघुवीर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी जाए, ताकि अगर कानून से कहीं कोई भूल हो गई हो तो एक भावी सच को जिंदा रहने का मौका दिया जा सके। गायत्री देवी द्वारा की गई मर्सी अपील को भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, इसलिए रघुवीर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दिया जाता है। रघुवीर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई? कैद काटने पर मेरी मौत मर जाएगा? तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। रघुवीर की मौत का हमारा फैसला अटल है। कानून ने उसकी सजा बदली है, हमने नहीं। जेल से उसकी रिहाई, इस दुनिया से उसकी विदाई होगी। पापा, चाचू आ गए क्या? अरे मेरी बिटिया, चाचू तेरा जरूर आएगा, हम उसे लेकर आएंगे। गॉड प्रॉमिस। ये तेरे प्यार की शक्ति और सच्चाई है बेटे, कि भगवान ने हमारी किस्मत का फैसला ही बदल दिया। मेरे लिए तो आप मम्मी, सिर्फ आप ही भगवान है। नहीं बेटे, वो ऊपर वाला है, उसी का आशीर्वाद है कि आज मैं अपनी बेटी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे सकती हूँ।
miss you. I love you, mama. I love you. आज से हौसले फिर बुलंद हो गए। कानून के रजिस्टर में वो गणपत मरा है, हमारे रजिस्टर में नहीं। ये रहे सारे होटल्स, उसके अड्डे और उनसे मिलने वालों की फाइल। उस चूहे को बिल से निकालने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, आज से तुम उनके वेलफेयर ग्रुप में सर्विस करोगी। ये उनका वो ग्रुप है जो उनके आने वाले हर मेहमान का स्वागत करता है। उन पर चील की आंख रखने का यही एक तरीका है। Yes, I will join. क्यों? आप लोगों ने मुझे क्यों बंद कर दिया उस तहखाने में? हाँ? क्यों सड़ता रहूं मैं वहाँ? अरे भावला हो गया है तेरा भाई नीति, भावला हो गया है। अंधेरी कोठड़ी में रहते रहते बेचारे को ना दिन का पता चलता है और ना रात का। मैं जानू भाई, मैं अच्छी तरह से समझू के ये सांस लेने वाला जीव है, इसे बाहर की हवा चाहिए। और पर तू भी तो सोचने वाला जीव है, कुछ सोच इसके बारे में, कुछ सोच नीति। मैंने सब सोच रखा है। ये बाहर का जीव बाहर की हवा लेते लेते बाहर से ही आएगा। जैसे फिल्मों में डबल रोल होता है ना, राम के मरने के बाद शाम आता है, उसी तरह से स्वर्गीय गणपत का जुड़वा भाई कल हवाई अड्डे पर उतरेगा। वेलकम पिज्जा, वेलकम माय ब्रदर, वेलकम। इंडिया आए भी तो किस मौके पे, जब हमारा प्यारा नटखट गणपत भगवान को प्यारा हो गया। तुम और गणपत साथ में ही तो पैदा हुए थे, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, आज तुम यहाँ और गणपत वहाँ। वेलकम ब्रदर। क्या बात है, क्या हॉलीवुड गेटअप मारा है। तुम शिव देखो, अपने आप को पहचान नहीं सकोगे। आखिर भाई हूँ आपका। बिहेव लाइक पिज्जा, पिज्जा की तरह बात करो। हेलो भैया, हेलो भैया, व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है? ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज मींस व्हाट? वेलकम वेलकम। अरे बेवकूफ, ये ड्रामा करना जरूरी था ताकि लोगों को यकीन हो जाए तू गणपत नहीं पिज्जा है। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। ओके शाबाश। थैंक यू। फ्लावर शावर है फूलों से नाना, माला फूलों से माला गार्लैंड। भैया इस पंगे में मत पड़ पिज्जा, इस तरफ। अगर गणपत जिंदा है उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। वो पाताल में भी छुपा हो, मैं उसे कानून के सामने लाकर खड़ा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। Hey, lady! For me, huh? Oh, if you want me, catch me. Oh, lady, I want you. I want you. Sorry. You know. Ow! I'm in the lobby. ओए, मेरी बोटी से टक्करा मारदा, अक्खा नहीं है फ्यूज हो गई, मतलब सॉरी यू नो। ओए, अंग्रेजी विच माफी मंगण दा की स्वाद है जो पंजाबी मुक्के विच। इट हैपेंस, प्यार में ऐसा भी होता है। हो रहा है। यस, आई थिंक यू हैव गॉन मैड फॉर मी। यस यस, मैं पागल हो गया हूँ। I've become mad, मजनू रोमियो, कुछ भी बन जाऊंगा, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। मैंने इसी होटल के बार में अपने मैरिज का यानी शादी का स्वयंवर रचाया है। इफ यू वॉन्ट मी,
come and try your luck? Yes, yes, yes. I want you, I want you, I want you, I want you, I want you. मैं जानती हूँ तो आएगा, जरूर आएगा. Where are you? Oh, wow. आप? हम तो आपको देखे, extremely clean bold हो गया, madam. You two look very interesting, man. Who are you? I'm Pizza from Honolulu. I'm Miss Lollipop from Ilu. Ilu. Ilu, Ilu! Oh, I know! I know Ilu, Ilu, kya hai? Ilu, Ilu, kya hai? Ilu, kya hai? Ilu, matlab hai, I love you! Ilu, ka matlab, I love you! But I don't love you. I love you. पहले ये सोला पैक पियो, उसके बाद इलू, इलू. ये मिस लॉलीपॉप स्वयंवर का पहली शर्त है. इलू इलू शर्त. I don't love you. इलू इलू. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 16. He's gone crazy. I'm all right. I'm all right. Hello, Elu. Oh, Elu. Elu. Oh, my God. You're not doing more, ma'am. In private bungalow, me jacker. Kuch private baat kare, huh? Hum private baat. सिर्फ इंडियन मर्द से करेगा. Do you understand that? Oh, Indian mard. I promise, मैं तुम्हें सिर्फ एक इंडियन मर्द मिलेगा. आहा. ओए माँ, मेरी जवानी पर तरस खाओ सनम. इलू इलू का वादा करके कहाँ चला गया? हम यहाँ हैं. Oh my God! देसी बंदर अंग्रेजी बाल. Who are you? I'm your Sanam. Bastard. Yo, Indian Sanam. Ilo 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 ilo. Hindustani one. Oh my. मगर विदेशी बाल ना आए. बाल? जब ये लो हो जाएगा तो ये भी पसंद आएगा. ये किस लिए? आप जैसी विदेशी सुंदरी की रक्षा के लिए. What an Indian expression. मिशन के लिए तुम्हें आग में कूदी हो, उसमें ऐसे खतरे मुमकिन है. मैं अपने मिशन में कामयाब रही हूँ भैया. जिस कत्ल के इल्जाम में उन्होंने रघुवीर को फंसाया था, वो कमीना गणपत अब तक जिंदा है. भैया, ये सिर्फ लाइटर नहीं, कैमरा भी है, और इसमें वो सारे सबूत है जिससे हमारा रघुवीर निर्दोष साबित हो सकता है.
गणपत की बेवकूफी की वजह से हमारे सारे राज रवि के हाथों लग चुके हैं। अब आग बबूला होकर तूफान की तरह हमारी तरफ पड़ता रहा होगा। इस बंगले की घेराबंदी कर दो, वो यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे? जाओ। कमीने, झूठे सबूतों के बिना पर तूने मेरे मासूम भाई को फंसाया, उस पर घातक इल्जाम लगाया, मुझे धोखे में रखा। तेरी मक्कारी का पर्दाफाश हो चुका है, आज मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने कुछ नहीं किया रवि, मैंने कुछ नहीं किया। तू बकेगा, तेरे मुंह से मैं सच उगलवाऊंगा। मारूंगा नहीं, तुझे कुत्ते की तरह घसीट के उसी कोर्ट में ले जाऊंगा जहां तूने मेरे मासूम भाई को फांसी की सजा सुनवाई थी। आज अपने गुनाहों का तू ही चश्मदीद गवाह होगा। चल चल, दूसरों को फांसी की सजा सुनवाने वाले छोड़ दो, छोड़ दो। अरे रुक जा रवि वर्मा, रुक जा। मुझे मालूम था कि तू पंगा खड़ा करने के लिए सीधा इधर ही आए, इसलिए तेरे पंगे को ठंडा करने के लिए मैं भी सीधा तेरे घर चला गया। सेवक राम को छोड़ दे अंगरक्षक, वरना तेरी इस बुलबुल के अंगों की रक्षा कौन करेगा? शाबाश नीति राम, शाबाश। अरे तुम्हारी बुद्धि पर तो मैं लुट गया। अरे मुझे मारने आता है, मुझे पंगा क्या होगा? तू एक काम कर, अखबार वालों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि अपने आतंकवादी भाई के गुस्से में इस बावले ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुम्हारे अंगरक्षकों ने इसे लाश बना दिया। हाँ, ये जो औरत है, ये तो भारतीय नारी है, सती सावित्री है। ये ऐसी औरत जब भरी जवानी में विधवा हो जाती है ना, तो पागल हो जाती है। पागल, यही इसका धर्म है। इसे पागल करार कर दो। पागल? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ।
भाभी, भाभी, भाभी ये सब, भाभी, भाभी, ये भाभी, ये भाभी, भाभी बच्चे, तू लावारिस हो गया, यतीम हो गया तू, और मैं, उन जालिमों ने मुझे विधवा बना दिया, रघुवीर मुझे विधवा बना दिया, वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ, बड़े भाई की अर्थी को छोटा भाई कांधा देता है रघुवीर। अभी तो तुझे बहुत सारी रस्में निभानी है। मैं वो रस्म निभाऊंगा भाभी। अब भैया की चिता की आग की मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। रस्में निभाने वो शमशान घाट जाएगा, लेकिन वहां एक नहीं दो लाशें जलनी चाहिए। जेल से भाग जाना कोई आम खबर नहीं है, बहुत बड़ी चेतावनी है ये। नीति राम जल्दी से अपनी खोपड़ी टटोल और इसका कोई तोड़ सोच। मेरी चाणक्य नीति ये कहती है,
आज से हमारे सारे गोडाउन, हमारे सारे काले धंधे बंद। रघुवीर, तमाम मड्डों को उड़ाता जा रहा है, हमारे तमाम जवानों को मारता जा रहा है। मैं ये पंगा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मत भूलो कि रघुवीर की असली तलाश गणपत है। अगर गणपत उसके हाथ लग गया तो हमारा पूरा सिंहासन हिल सकता है। ऊपर से इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके गणपत को फिर से मिस्टर पिज्जा बनाकर वापस विदेश भेज देना चाहिए। अरे आखिर मैं कब तक गेटअप चेंज करता रहूंगा? मिस्टर पिज्जा होना लुलू इलू इलू, मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं देख, देख छोटे, एक मुन्ना, जब तक ये तूफान अपना रुख ना बदल ले तू विदेश का रुख कर ले। अच्छा शाबाश। राम, मैं आ रहा हूं। रघुवीर we'll be right back.
धूप बहुत आ गया, छोड़ दे अभी गणपत को, छोड़ दे मेरे भाई को। देख रुकने, मैं तुझसे फिर कह रहा हूं, छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ मेरे गणपत को। रघुवीर, गणपत तो ठीक है ना? तेरे अंदर बगावत की ये जो आग भड़क रही है ना, इस आग में तो खुद तो जलेगा ही, तेरे साथ वो भी बुरे जाएंगे जिनमें तेरी जान अटकी हुई है, यानी कि तेरी जान से भी प्यारी तेरी भाभी रघुवीर और तेरी माशूका। चलो चलो हाथ घड़ी खोलो, चलो हाथ घड़ी खोल दो, चलो अभी मेरे भाई कृष्ण अच्छा गणपत आ जा। गणपत 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 तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? की मौत का दर्द क्या होता है? जल्दी मत करो, इसने गणपत को मारकर हमें बहुत बड़ा जख्म दिया है। ऐसे दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने के लिए इसके हर जख्म हर दुख की रात पर हमें तेजाब छिड़कना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी दुख की रात है इसकी विधवा भाभी, जिसे देखते ही ये पागल हो गया था। आज हम एक बहुत बड़ी रस्म पूरी करेंगे। नहीं, नहीं, सेवक करो, नहीं, नहीं, आराम जादे, नहीं। मैं क्या करूँ जाओ, मैं क्या करूँ जाओ। बहुत जल्द, नहीं, नहीं, Thank you.
लक्ष्मी। सियासत के नाम पर देश की बर्बादी के जिम्मेदार इन गुनेगारों से पर्दा उठाकर रघुवीर ने एक सच्चे देशभक्त का काम किया। रघुवीर ने जो कुछ भी किया अपने देश की रक्षा और बहुत से मासूमों की जान बचाने के लिए किया, इसीलिए अदालत की नजर में रघुवीर निर्दोष है और अदालत उसे सब इल्जामों से बरी करती है।